Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor and this is video lecture number 5 for the class 11th. We are discussing the chapter thermodynamics. और अभी तक हमने आपके लिए 4 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, थर्मोडाइनमिक्स का आज का टॉपिक जो है, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहे। तो लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक, दैट इज हीट, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है। तो पहले मेरे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है हीट क्या होती है। देखिए, हीट क्या है, अगर आप देखेंगे हीट जो है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच ऑकर्स बिटवीन द टू बॉडीज, विच ऑकर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ये दो बॉडीज अगर आप याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बॉडी सिस्टम भी हो सकती है और दूसरा साइड जो है इसमें सराउंडिंग हो सकता है। कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो है, प्यारे बच्चों, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो एक टाइप का होता है, ठीक है। दो बॉडीज में हम आप एक को सिस्टम ले सकते हो, दूसरे को सराउंडिंग भी ले सकते हो, विच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस बात को आप ध्यान में रखें, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी तक, वो तभी पॉसिबल है जब वो दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रेजेंट हो। मान लो आप, फॉर एग्जांपल, आप एक दूध का गिलास लेंगे और उस दूध के गिलास का मान लो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, काम आपने वो टेबल पर रखा, और टेबल जिस रूम में आपने रखा है, रूम का टेम्परेचर आप मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो आप देखो कि कुछ देर के बाद दूध जो है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि ये ठंडा पड़ता जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट बेसिकली यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम हॉट ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी हॉट ग्लास ऑफ मिल्क टू इट्स सराउंडिंग्स जो कि रूम है। तो रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ग्लास में जो आपने मिल्क रखा उसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या देखोगे, आप हीट जो ट्रांसफर करेगा वो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख ही देता हूँ, दैट हीट जो है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लोअर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मिल्क का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 80 से 25 की तरफ जाएगा, यानी कि हीट का फ्लो तभी होता है जब दो बॉडीज के दरमियान, प्यारे बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये है क्या, बेसिकली वही मैंने यहाँ पे लिखा, दैट हीट जो है इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच टेक्स प्लेस विच ऑकर्स between the two bodies of which one can be system, the other can, you can take that surroundings, but which are at two different, yeah, which are at different temperatures. So you're getting what I'm saying? Now see, यहाँ पे मैं एक important बात आपको clear करना चाहता हूँ। For example, आप मान लीजिए आपके पास एक system है, ठीक है, मान लीजिए एक closed container है, ये मान लीजिए ये closed container है, इसको मैं तस्वीर करूँगा, ये system है, ठीक है, और इस system में मान लो कोई gas है या कोई भी आप दूसरा सिस्टम ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, और मान लो ये बाहर से जो है ये आपकी सराउंडिंग है, ठीक है। अब आप देखेंगे, मान लो इस सिस्टम में आपने मिल्क रखा या कुछ रखा, ठीक है, तो ये सिस्टम है या सराउंडिंग है, आप ये दो बॉडीज ले सकते हो। मान लो अगर सिस्टम जो है एट अ टेम्परेचर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सराउंडिंग मान लो एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप देखोगे
दैट हीट जो फ्लो करेगा वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट होगा, बिकॉज हीट जो है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ये बात याद रखिए आप। तो हमने क्या कहा, हीट जो है इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच ऑकर्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टू बॉडीज विच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एंड हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से हायर पर नहीं जा सकते आप, ठीक है ना, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो आपको समझाएंगे उस टाइम, उसके लिए क्या करना पड़ता है। अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि वो ज्यादा है नहीं, आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है, अगर आप सिंबल ऑफ हीट की बात करेंगे, सिंबल अगर आप हीट की बात करेंगे तो हीट के लिए जो सिंबल है वो तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो। सो द सिंबल फॉर द हीट इज दैट इज क्यू, कैपिटल और स्मॉल। एंड अगर आप देखोगे इसका, अगर हम यूनिट की अगर हम बात करेंगे, यूनिट देखिए, यूनिट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप एसआई सिस्टम की बात करते हो तो हीट का जो यूनिट होता है ना प्यारे बच्चों, वो जूल होता है, वो जूल होता है। अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हो, हालांकि एनर्जी है, वर्क है, तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का जो लिया जाता है वो अर्क होता है। लेकिन एक और कॉमन यूनिट ऑफ हीट हम पढ़ चुके हैं, या आपको इसके बारे में थोड़ा पता होगा, जो कॉमन यूनिट हीट के लिए लिया जाता है वो है कैलोरी, वो है कैलोरी। ये चीज आप ध्यान में रखिए, पहले जो है हीट का यूनिट जो है वो कैलोरी के हिसाब से लिया जाता है, और एक कैलोरी जो होता है, मैं यहाँ पे वैल्यू आपको बता दूं, वो होता है बराबर 4.182 जूल्स के बराबर। तो ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल्स, या 4.18 जूल लिख सकते हो। तो कैलोरी इज द कॉमन यूनिट ऑफ हीट, एंड जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, बिकॉज हीट इज बेसिकली एन एनर्जी, ठीक है ना। तो जब भी आप दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे, टेम्परेचर वेरिएशन देखोगे, तो हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ याद है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हीट सिस्टम को दे रहे हो, मान लो आप हीट सिस्टम को दे रहे हो, आपने क्यू जो है वो सिस्टम को दी, तो उस टाइम उसका साइन जो है, साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव लिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम से ही निकली तो उसका साइन नेगेटिव लिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। मतलब क्या है इसका, देखिए मान लो मेरे पास हीट है, कुछ कंटेंट मेरे पास हीट है अंदर, अगर मुझे और ज्यादा हीट दी जाएगी, या मान लो मेरे पास पैसे हैं, ऐसे समझो आप, मान लो हीट को आप पैसों के शक्ल में जो है अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 1000 रुपए हैं 2 मिनट के लिए, हालांकि मेरे पास और ज्यादा है, ठीक है ना। मुझे किसी ने पैसे दे दिए, मुझे किसी ने हीट दे दी, तो मुझे जो ऑलरेडी पैसे थे उसमें क्या हो गया, उसमें तो एडिशन हो गया, मुझे तो और ज्यादा पैसे मिल गए, मैं तो पॉजिटिव में चला गया, ठीक है ना। तो हीट गिवन टू द सिस्टम, जब आप सिस्टम को वैसे हीट देते हो ना, तो उसका वैल्यू जो हीट का है वो बढ़ता है, इसलिए वो पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर सिस्टम ही हीट देगा, यानी कि मैं पैसे लूंगा नहीं बल्कि दूंगा, तो मेरे जो पैसे थे वो बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, उसके वैल्यू में जो है वो डिक्रीमेंट हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं दैट अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो मेरा पॉजिटिव साइन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि मेरी इनकम बढ़ रही है, वो मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही से दे रहा हूँ तो मेरी डिक्रीमेंट हो रही है, तो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो अगर आप पैसों को हीट से तस्वीर करोगे, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। सबको समझ आ रही है। इसी तरीके से वर्क भी लिया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं यहां पे, आप बॉडी की, आप एनर्जी, बॉडी की एनर्जी जो है ना, देखिए एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप चेंज दो तरीकों से कर सकते हो। यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम बाय टू वेज, वन इज बाय द हीट, या तो आप उसमें हीट अंदर लाइए या तो बाहर करिए, उससे उसमें एनर्जी कंटेंट चेंज होगा। दूसरा तरीका जो है एनर्जी चेंज करने का, वो हम वर्क से करते हैं। हालांकि ये मैं पहले भी आई थिंक वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है ना। तो आप किसी भी सिस्टम की एनर्जी दो तरीकों से चेंज कर सकते हो, हीट से भी वर्क से भी। अब हीट आप बाहर कर भी सकते हैं, आप अंदर भी एंटर भी करवा सकते हैं, वर्क आप सिस्टम भी कर सकते, सिस्टम पे कर सकते हो या वर्क सिस्टम भी करेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो था, ये जो मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हीट का बताया, दैट हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें क्या होता है जो कि दो बॉडीज के दरमियान जो उसका ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो दो बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स होनी चाहिए। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा तब तक हीट फ्लो नहीं हो सकता। ध्यान में रखिए, अगर आप दो बॉडीज लेंगे, अगर आप दो बॉडीज लेंगे, उन दो बॉडीज को आप कनेक्ट भी करोगे, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर सेम है ना प्यारे बच्चों, डिफरेंस नहीं आएगा वहां पे, तो हीट तो फ्लो नहीं होगा, एनर्जी उस वे से तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। फिर मैंने आपको कहा दैट यहाँ पे इसकी सिंबल जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसका एसआई यूनिट जो है वो आप जूल लेते हो, सीजीएस यूनिट तो अर्ग ही ले सकते हैं, और कॉमन यूनिट जो है वो कैलोरी लिया जाता है, और एक कैलोरी 4.182 जूल्स के बराबर होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट हीट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं हीट कैपेसिटी, इस चीज को समझिए। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैं डिफाइन करूंगा। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of a given body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. आपको कितना amount of heat देना पड़ेगा एक body का temperature rise करने में 1 degree Celsius से या 1 Kelvin से, उसको आप कहते हो heat capacity। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखूंगा it is defined as it is defined as the amount of it is defined as the amount of heat energy it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature raise the temperature of given body, body कोई भी हो सकती है, of given body, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ bracket में, body small भी हो सकती है, body बड़ी भी हो सकती है, by 1 degree centigrade or 1 Kelvin। आपको कितना amount heat लगेगा, कितनी quantity आपको heat चाहिए एक body का टेम्परेचर 1 degree या 1 Kelvin से राइज करने के लिए, उसको आप कहते हो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, यहां पे बात यह है दैट कोई बॉडी स्मॉल है तो कोई बॉडी बिग है। जो बॉडी स्मॉल है तो इसका मतलब है उसमें लेस हीट आपको चाहिए, जाहिर सी बात है। आपको जितना एक इंसान या जितना एक ऑर्गेनिज्म छोटा होगा ना प्यारे बच्चों, उसको न्यूट्रिशन भी उतना ही चाहिए। जिस इंसान का साइज बड़ा होता है ना, जो फैले हुए लोग होते हैं ना जिनका पेट काफी बाहर होता है, ठीक है ना, आप में से भी बहुत सारे लोग जो है वो फैले हुए होंगे, तो उनको चाहिए कि वो अपना फैला थोड़ा कम करे। जितनी बॉडी का साइज ज्यादा होता है ना, उतना ही बॉडी को खाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, जितना साइज बॉडी का ज्यादा उतने नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए खाना भी ज्यादा चाहिए।
इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनको भूख ज्यादा लगती है, पतले जो होते हैं ना उनको उनसे फिर खाया नहीं जाता, वो ज्यादा खा नहीं सकते, वो ऐसी वो सैलड पे जो है ना वो गुजारा कर लेते हैं। बात समझ आ गई? अब जाहिर सी बात है, आप एक छोटी बॉडी ले लो, आप ये पेन ले लो, और आप एक बड़ी बॉडी ले लो, मान लो ये बोर्ड ले लो, आप हीट कर रहे हो, तो जब आप हीट दे रहे हो तो इसका कंटेंट कम है, इसका मैटर कम है, तो इसको आपको कम हीट देनी पड़ेगी सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए। अब आप वो कैसे मेजर करोगे? आप थर्मोमीटर कनेक्ट कर दोगे इसके साथ, आपको टेम्परेचर इंक्रीमेंट दिखाया जाएगा वहाँ पे। लेकिन जब आपको देखोगे बॉडी ही बड़ी अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ना, जाहिर सी बात है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने की। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, हीट कैपेसिटी जो है डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट, द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। पहली बात मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन बॉडी, ऑफ गिवन बॉडी बिग या स्मॉल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम ऐसे लिखते ही, दैट इज हाउ वी राइट इट, वी राइट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, तो ये मैंने आपको समझाया, छोटी बॉडी है तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी आपको, जितनी बड़ी बॉडी होगी उसमें हीट भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो हीट कैपेसिटी किसके लिए बराबर होगी, अमाउंट ऑफ हीट जो आपको देनी पड़ेगी, टेम्परेचर राइज कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना, जाहिर सी बात है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ऐसे। अब देखिए हीट कैपेसिटी के लिए जो सिंबल लिखी जाती है, पहले मैं ऐसे लिखूंगा, हीट कैपेसिटी के लिए सिंबल जो है ना प्यारे बच्चों वो लिखी जाती है सी, कैपिटल सी, ऐसे ठीक है ना। और अगर आप देखोगे अमाउंट ऑफ हीट के लिए आप क्या लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट के लिए आप या तो क्यों लिख सकते हो कैपिटल या तो स्मॉल लिख सकते हो, चलो मैंने स्मॉल लिखा, क्यों इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, एंड चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, उसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज द इक्वेशन फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ, नोट क्या है, नोट पे ये डालूंगा दैट हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस या ऑफ एनी सबस्टेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या स्लैश मास ऑफ दैट सबस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट और मास ऑफ दैट सबस्टेंस। इस नोट को याद रख लीजिए। अब यहां पे आ जाएंगे फिलहाल, जरा अगर C हो गया बराबर क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, वट इज सी, सर इट इज हीट कैपेसिटी, वट इज क्यू, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, और टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ना, सपोज मैं नीचे लिखूंगा तो आप मुझे बताइए, देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा, बताइए क्यू किसके बराबर होगा, देयरफॉर क्यू होता है बराबर सी इंटू डेल्टा टी। देखिए क्यू किसके बराबर है, सी इंटू डेल्टा टी, यानी कि अगर आपको हीट कैपेसिटी एक बॉडी की पता है और उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, आप निकाल सकते हो कि मुझे कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो उसको लगेगी, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में डेल्टा टी जितना भी होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, कहने का मतलब है अगर 1 है इसका वैल्यू, तो बताइए इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, क्या मैं लिख सकता हूँ उस टाइम क्यू जो है वो होगा बराबर सी इंटू 1, अब 1 डिग्री ले लो या 1 केल्विन ले लो, तो उस टाइम किसके बराबर होगा, उस टाइम क्यू जो है वो सी के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ ना दैट आप बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज कर रहे हो प्यारे बच्चों, सर 1 डिग्री सेल्सियस है 1 केल्विन से, तो उसके लिए जितना आपको हीट देना पड़ेगा बॉडी को वो क्या है उसकी, वही तो उसकी हीट कैपेसिटी है, तो निकला तो क्यू इक्वल टू सी, ये कैपिटल सी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये यहाँ पे कैपिटल सी, ये कैपिटल है,
क्योंकि इसमें छोटा भी आता है, आप छोटा भी लिख सकते हो इसमें, और इसमें कैपिटल भी आता है, ये डिफरेंट दो चीजें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेंपरेचर, टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ गिवन बॉडी, स्मॉल हो या बिग हो, ठीक है ना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। जाहिर सी बात है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने पानी लिया, देखिए, अब मैंने दूसरा कंटेनर लिया, चेक कीजिए, उस कंटेनर में मैंने कितना पानी लिया, अब मुझे बताइए, इसको भी आप हीट कर रहे हो, इसको भी आप हीट कर रहे हो, तो बताइए इसका भी टेम्परेचर आप 1 डिग्री से राइज करवाना चाहते हो, इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से राइज करवाना चाहते हो, तो कॉमन सेंस है हीट कहाँ पे ज्यादा लगेगी, जहां पे मैटर ज्यादा है, जहां पे अमाउंट ज्यादा है। तो इसीलिए हीट कैपेसिटी जो है, मैंने लिखा दैट हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस में अमाउंट कितना है, मैटर कितना है। सबको क्लियर हुआ? तो इसका जो यूनिट होगा, अब यूनिट किसके बराबर होगा, देखो यूनिट की अगर हम बात करेंगे, यहां तक समझ आया ना, हीट कैपेसिटी क्या होता है, जिस बॉडी का साइज कम होगा, जो छोटी बॉडी होगी उसका हीट कैपेसिटी का वैल्यू भी कम होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है साइज कम है, कम ही हीट देनी पड़ेगी, और जिस बॉडी का साइज ज्यादा है उसमें मैटर ज्यादा होगा तो उसमें आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी जो है ये बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, ये बॉडी टू बॉडी प्यारे बच्चों वैरी करता है। अब देखिए, जिस बॉडी का साइज जितना ज्यादा होगा उस बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और अगर आप एक बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस से, जैसे मैंने लिखा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे आप जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहे हो ना वही उसकी हीट कैपेसिटी है, तो उस टाइम क्यों सी के बराबर बनता है। क्लियर हो गया ना सबको, सबको क्लियर हो गया? देखिए अब इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, अगर आप यूनिट्स की बात करोगे तो यूनिट क्या हो सकता है, देखिए सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, ये आप इक्वेशन याद ही रख लो, तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा। देखिए क्यू के लिए क्या यूनिट होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्यू के लिए हो सकता है जूल भी, क्यों के लिए हो सकता है कैलोरी भी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखूंगा स्लैश कैलोरी, और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन भी हो सकता है। तो आप इन में से अब बहुत सारे चूज करो, जैसे जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये भी यूनिट है, ये भी हो सकता है इसका यूनिट सी का। देखिए दूसरा जूल पर केल्विन, आप ये भी ले सकते हो इसका यूनिट। दूसरा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये भी इसका यूनिट हो सकता है, या कैलोरी पर केल्विन, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हो। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी का बच्चों, दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो इस बात का ध्यान रखे आप। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए चलो मैं ये इरेज करता हूं, देखिए मान लो ये इक्वेशन याद रखना, कौन सी इक्वेशन, C that is heat capacity is equal to Q upon delta T। heat capacity होती है कितनी amount of heat दिया आपने और temperature कितना raise हो गया, वही होगा heat capacity। देखिए अब cases, case first क्या है, अगर process isothermal है, मान लो isothermal कोई process है, आराम से समझना प्यारे बच्चों, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आपको पता है आइसोथर्मल में डेल्टा टी होता है बराबर जीरो, क्योंकि इसमें टी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो बताइए उस केस में सी कितना होगा, सी होगा बराबर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, के बजाय आप जीरो लिखोगे तो वो कितना हो गया, उस टाइम सी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी दैट इज इन्फिनिटी, स्टार डाल देता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो केस सेकंड में लेता हूं कि मान लो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल नहीं है बल्कि वो चलिए मान लो एडियाबैटिक है,
एडियाबैटिक। अब देखिए यहाँ पे, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है उस टाइम आपको पता है क्यों का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब ना ही क्यों अंदर आता है ना ही क्यों बाहर जाता है, बात समझ आ रही है ना। तो उस टाइम क्यों का वैल्यू क्या है, क्यों का वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि हम क्यों का वैल्यू उस टाइम जीरो लेते हैं। जीरो का यहाँ पर क्या मतलब है कि कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपने कोई ना हीट दी, जो भी पहले थी वो थी, लेकिन आपने ना हीट दी यहाँ से ना वहां से हीट निकली, तो बताइए उसके लिए क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, सी विल बी इक्वल टू अब क्यों ही जीरो है, तो दैट विल बी जीरो डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जब क्यों ही अंदर नहीं गई, डेल्टा टी टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, जीरो डिवाइड बाय नहीं थी, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर जीरो। सबको समझ आ रहा है ना। तो उस टाइम सुपर हीट कैपेसिटी का वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल केस, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम विल बी इंफिनिटी एंड फॉर एडियाबैटिक इट विल बी इक्वल टू जीरो। शाबाश, फॉर एडियाबैटिक इट विल बी इक्वल टू जीरो। अब आइसोबारिक और आइसोकोरिक अगर है उनके केस में क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये दो केसेस आप अच्छे से याद रखना। अगर आइसोबारिक होगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और आइसोकोरिक होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो उसके केस में क्या होता है वो कहानी में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, इसका मतलब है अगर कोई भी गैस है तो अंडर एडियाबैटिक कंडीशन हो या आइसोथर्मल कंडीशन हो, तो उसका जो हीट कैपेसिटी का वैल्यू है वो यूजुअली वेरी करेगा, होता है इन बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, ओके। ये थी हीट कैपेसिटी की कहानी। देखिए मैं आप यहां पे एक और कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो होंगे वो देख लेंगे बाद में, फिलहाल हम स्पेसिफिक हीट का देखेंगे, तो ये वाला पार्ट में इरेज करता हूं। देखिए मान लो अब टॉपिक जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। मैं यहां पे लिखता हूं स्पेसिफिक हीट, या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, इसको स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब, चेक करना। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, शाबाश, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, इस बात को समझिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस, यूनिट मास, यूनिट मास यहां पे लिया जाता है 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, समझो इस बात को क्या है। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास हम लेते हैं 1 ग्राम, इस बात को ध्यान में रखना, 1 ग्राम ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 ग्राम ऑफ एनी सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। आपका एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम मास कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी कि कोई भी सबस्टेंस ले लो, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 1 ग्राम ही लेना है, यहां पे 1 ग्राम ही लेना है, तो यहां पे ये वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, यहां पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, इस बात को दिमाग में रखिए। तो स्पेसिफिक हीट सिंस इट इज डिफाइंड फॉर द यूनिट मास, मैं फिर से कह रहा हूं कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको, 1 यूनिट ग्राम यानी कि 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर राइज करने में 1 डिग्री या 1 केल्विन में। मान लो आपको ये सबस्टेंस है एक, या ये सबस्टेंस है बी, मान लो ये सबस्टेंस ए है, मान लो ये सबस्टेंस बी है, आप इस सबस्टेंस का 1 ग्राम लो, इस सबस्टेंस का भी 1 ग्राम लो,
आपको एक ग्राम के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो आपको इसका भी 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा, इसका भी 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा। आप सबस्टेंस कोई भी ले लो, जब आप उसका 1 ग्राम लेते हो और उस 1 ग्राम में कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी आपको, तो उसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक मास का हीट होता है। इस बात को समझिए, यहां पे अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, यहां पे छोटी बॉडी या बड़ी बॉडी नहीं है। छोटी बॉडी हो उसका भी 1 ही ग्राम लेना है, बड़ी बॉडी हो उसका भी 1 ही ग्राम लेना है। तो ये यूनिट मास का है, ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का। अब देखिए, अब ये बराबर किसके लिए होता है, हम यहां पे जो लिखते हैं ना स्पेसिफिक हीट के लिए टर्म, वो हम लिखते हैं, बात समझिए, वो हम लिखते हैं सी, लेकिन उस वाले सी से थोड़ा छोटा। इस बात को समझिए, यहां पे हम लिखते हैं सी से भी, इवन आप देखो कि कुछ बुक्स एस भी लिखते हैं, एस एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं इरेज करूंगा यहां पे, कुछ बुक्स इसको एस टर्म से भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एस से स्पेसिफिक वर्ड आता है, स्पेसिफिक हीट। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे इसका जो है ये एस से भी लिखा गया है, लेकिन हम छोटे सी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं छोटे सी से नहीं लिखूंगा, मैं बड़ी सी से लिखूंगा, मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, एस से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये, किसके बराबर होगा, मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट फिर किसके बराबर है, देखिए ये तो समझ आ गए ना यहां पे, 1 ग्राम 1 ग्राम, देखिए ये किसके बराबर है, हीट रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए। अब देखो जिनका यूनिट ग्राम और यूनिट डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा डिविजन में लेते हैं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यूनिट मास। तो यहां पे हम मास लिखते हैं ऐसे, बेटर टू राइट यूनिट मास, यूनिट मास। और यहां पे टेम्परेचर क्या लिखना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर। अब देखिए ये किसके बराबर है, मैं यहां पे लिखता स्पेसिफिक हीट के लिए जो सिंबल है वो एस लिखी जाती है, स्पेसिफिक हीट एस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लिखा, हालांकि आप ये छोटे सी से भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो किसके बराबर है, हीट रिक्वायर्ड। तो हीट रिक्वायर्ड किसके बराबर होता है, क्यों से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यूनिट मास हम लिखेंगे छोटे एम से, और टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी से। देखिए यहां पे ये इसकी इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम इनटू डेल्टा टी। जो मैंने हीट कैपेसिटी का बताया था वहां पे मैंने लिखा था सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वहां पे एम था ही नहीं, दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है, समझ हस के इवन वहां पे एम था नहीं, बिकॉज एम वेरी करता वहां पर, छोटी बॉडी होती है उसका एम पता नहीं क्या होता है, बड़ी बॉडी होती है उसका पता नहीं। लेकिन यहां पे सिंस हम मास स्पेसिफिक लेते हैं, दैट इज यूनिट मास, दैट इज 1 ग्राम, तो यहां पे मास हमें इक्वेशन में लाना पड़ेगा। सबको क्लियर हो रहा है, तो बताओ किसके बराबर हो गया, व्हाट इज एस, सर एस इज द स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज एम, एम इज द यूनिट मास, व्हाट इज टी, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज यूजुअली 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहां पे ये स्पेसिफिक हीट के लिए इक्वेशन है, इसको आप ध्यान में दे, जरा मुझे यहां से बताओ मुझे क्यों किसके बराबर होगा, ये हीट रिक्वायर्ड जो आपको देनी पड़ती है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए, वो कितनी हीट होगी, जरा देखिए कितनी होगी, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। आप कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी देखोगे, बट वहां पे लिखा है क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, मेहरबानी करके कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स में इस एस के बजाय सी लिखा गया है, छोटा सी, वो जो मैंने पहले बताया था ना वो कैपिटल सी है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी जिसको आप सी कहते हो ऐसे, वो काफी वो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स में स्पेसिफिक हीट के लिए एस सिंबल लिखी जाती है, कुछ बुक्स में स्पेसिफिक के लिए जो है स्मॉल सी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए हमें, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इफ इफ मास दैट इज एम इज इक्वल टू 1 ग्राम, जाहिर सी बात है 1 ग्राम मान लो बिकॉज आप यूनिट मास ले रहे हो, और मान लो टेम्परेचर जो राइज हुआ डेल्टा टी वो है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या आप 1 केल्विन लोगे। सबको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना, तो बताओ मुझे उस टाइम क्यों किसके बराबर होगा, therefore Q will be equivalent to S, क्या नहीं होगा, देखिए ना M कितना है 1 ग्राम, that is 1, डेल्टा T कितना है वो भी कितना है 1, तो 1 into 1 ये तो 1 हो गया, तो 1 बोलो, then Q will be equivalent to S। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ that the amount of heat
द अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन विल बी इक्वल टू इट स्पेसिफिक हीट एंड दैट इज एस. अब आप इसके बजाय सी टर्म इस्तेमाल करो या एस टर्म इस्तेमाल करो, ये एक ही बात है. क्लियर हो गया सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा मुझे यूनिट बताओ इसका क्या होगा, यूनिट बताओ मुझे इसका क्या होगा. अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बात बतानी है वो क्या है, मैं पहले नोट लिखूंगा उसके बाद मैं यूनिट बताऊंगा आपको. चलो पहले यूनिट लिखता हूँ, चलो पहले मैं यूनिट लिखता हूँ, ये मैं इरेज करूँ. बच्चों समझ आ गया सबको? देखिए देखिए सदा मैं पहले यूनिट्स की बात करूंगा. यूनिट्स यूनिट्स देखो क्या है, तो आ जाओ. तो क्या है सर, स्पेसिफिक हीट जो है वो बराबर है क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी. चलिए बताइए इसका यूनिट क्या है, क्यू के लिए यूनिट क्या होगा, क्यू के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा. देखो वो जूल भी हो सकता है, वो कैलोरी भी हो सकता है. डिवाइडेड बाई मास के लिए क्या यूनिट हो सकता है सर, वो ग्राम भी हो सकता है, वो केजी भी हो सकता है. ये डिवाइडेड में नहीं करता हूँ मैं, ये मैं दो लिख रहा हूँ, या ये हो सकता है ये हो सकता है. और टेम्परेचर का क्या हो सकता है सर, या तो डिग्री सेल्सियस हो सकता है या तो केल्विन हो सकता है. अब आप खुद ही बताइए इसके कितने सारे यूनिट निकल सकते हैं. देखिए एक यूनिट क्या निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एस का यूनिट क्या हो सकता है या होगा. चलो पहला पहला लेते हैं, मैं पहले इसका लेता हूँ, इसका भी पहला लेता हूँ, इसका भी पहला लेता हूँ. या तो होगा जूल डिवाइडेड बाई पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो एक यूनिट हो गया. देखो दूसरा यूनिट क्या हो गया, इसका पहला ही ले लो, इसका दूसरा ले लो, इसका ये ले लो. या तो ऐसे हो सकता है जूल, अब ये वाला चेंज करो ये वाला, तो ये होगा पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हो सकता है. एक ये हो सकता है जूल पर ग्राम, और ये हो सकता है पर केल्विन लाइक दिस, ये हो सकता है. एक और लेते हैं, ऐसा हो सकता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये भी हो सकता है कैलोरी पर केजी पर केल्विन. बहुत सारे हो सकते हैं यार, इसमें आप बहुत सारे यूनिट्स निकाल सकते हो. ये आप पर डिपेंड करता है कि कैलोरी में हीट दी है, टेम्परेचर किसमें दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है या केल्विन में दिया है. तो आपको चेक करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ऊपर से एनर्जी होगी, यूनिट मास होगा और टेम्परेचर होगा, दैट्स इट. ये आपके यहाँ से यूनिट्स निकलेंगे. सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक लिखने जा रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे एक नोट डालता हूँ. क्या, देखिए अगर आपको पता होगा हमने लिखा था दैट, देखिए हमने लिखा था जरा इस इक्वेशन पे आ जाए, इस इक्वेशन पे मान लो इसको मैंने इक्वेशन ए नाम रखा. देखें इस इक्वेशन पे आइए, इस इक्वेशन में मैं फिर से लिखता हूं. देखो एस इज इक्वल टू, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट. ओके एम को अपनी जगह रखो, मैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई एम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज क्यू इंटू वन दैट इज क्यू, एम इंटू डेल्टा टी दैट इज एम इंटू डेल्टा टी. देखिए बताओ मुझे क्यू बाई टी किसके बराबर है. क्यू बाई टी अगर आपको याद होगा, पहले मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाया, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, याद है आपको? तो हीट कैपेसिटी के बराबर होता है सी के बराबर. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसके बजाय आप लिख सकते हो सी इंटू सी डिवाइडेड बाई एम. यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि एस स्पेसिफिक हीट जो होता है बराबर वो हीट कैपेसिटी सबस्टेंस की होती है डिवाइडेड बाय एम होता है. ये ब्रैकेट में डाल दो, स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे क्या प्रूव होता है आपको, इससे ये प्रूव होता है आपको, मैं ये इरेज करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ. देखो इसका क्या मतलब हुआ, उस इक्वेशन को यहाँ पे लाओ. जरा मुझे बताओ सी किसके बराबर है, सी क्या मैं लिख सकता हूँ, सी बराबर होता है एम इंटू एस. देख लीजिए खुद ही, C इज इक्वल टू एम इंटू एस. वट इज C सर, इट इज हीट कैपेसिटी, इट इज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू वट इज M, इट इज मास
ऑफ सब्सटेंस, इट इज हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एस, इट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट इज इट। यानी कि अगर आपको एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू पता है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, और आपको पता है कि कितना मास है उसका, तो आप उसकी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। सो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट इज स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड आपने कितना अमाउंट लिया। बात समझ आ रही है? मान लो अगर स्पेसिफिक हीट एक सब्सटेंस की जो है, मान लो देखिए, अगर आप वाटर की स्पेसिफिक हीट देखेंगे ना, वाटर की, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आप वाटर की स्पेसिफिक हीट लेंगे, वाटर की H2O, तो उसका जो S का वैल्यू निकलता है ना, वो निकलता है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। ये देख लो यहाँ पे, यहाँ इसका क्या मतलब, देखो मान लो वाटर का कितना S का वैल्यू है, S का वैल्यू इतना है, ठीक है ना। अगर मैं अब वाटर, ये किसके लिए, एक ग्राम के लिए, देखो देखो खुद देखो, C किसके बराबर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या है, 4.2 जूल्स पर ग्राम, मतलब उसमें मास ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम है। लेकिन अगर आपको अब 1 ग्राम वाटर का नहीं बताना है, आपको 10 ग्राम का लेना है, तो आप उस टाइम 10 से सीधे ही एस को मल्टीप्लाई करना, वो सी के बराबर निकलेगा। 10 से स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करना, वहां से आपकी हीट कैपेसिटी आएगी। क्लियर हो रहा है? इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या है, और जितना आपने अमाउंट लिया वो उसके बराबर है। क्लियर हो गया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो मैं यहां पे ही बता दूंगा, बिकॉज ये सारा क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट से ही एक कॉन्सेप्ट निकाला जाता है प्यारे बच्चों, और उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लेट मी फिनिश इट हियर, उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपली मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, और उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, वो CM से भी हम इस्तेमाल करते हैं, CM, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट उसको कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, तो उसके लिए अगर आप CM टर्म इस्तेमाल करोगे, वो किसके बराबर होता है, इसका मतलब ये है आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल, तब वन ग्राम था, ठीक है ना, अब वन मोल है। The amount of heat energy which is required to raise the temperature of one mole of a substance by 1 degree or 1 Kelvin. तो आपको सिंपली क्या करना है, मास की जगह आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, तो उस टाइम ये किसके बराबर होता है, Q divided by N into delta T, that's it, और कुछ नहीं। उस टाइम इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये याद रखना, ठीक है, इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर आप यहां से क्यों निकालना चाहे क्यों, तो किसके बराबर होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट दैट इज CM इनटू, या हम ऐसे लिखते हैं दैट क्यों जो होता है बराबर उस टाइम होगा N इनटू CM इनटू डेल्टा T, ये बात याद रखिए। अब ये जो वैल्यू है ना मोलर स्पेसिफिक हीट, ये आप दो चीजों पर निकालते हो, कैसे, एक निकालते हो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये निकालते हो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और दूसरा निकालते हो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इस बात को ध्यान में रखना, एक निकाला जाता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और दूसरा निकाला जाता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने मोलर हीट कैपेसिटी, ये CM, मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो अगर आपके पास, देखो मैं इस चीज को फिर से क्लियर करूं, मान लो आपके पास एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका जो मास है ना वो 1 ग्राम है, तो इसके लिए आपको कितनी क्यो देनी है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर कितना राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, उस टाइम जो आपका वैल्यू आता है ना वो है स्पेसिफिक हीट का, वो है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 ग्राम के बजाय 1 मोल है,
ठीक है ना, उस टाइम भी आपको हीट देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है उस टाइम भी इसका टेम्परेचर कितना राइज करना पड़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। उस टाइम क्या करोगे आप, उस टाइम उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, बस ये डिफरेंस है। मोलर स्पेसिफिक हीट में आपको एक मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन से, एंड स्पेसिफिक हीट में आपको 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस, बस और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने एम की जगह यहाँ पे एन लिया, तो ये समझ आ गया। तो क्यों किसके बराबर होता है, एन टाइम्स एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। अब देखिए मैंने आप क्या कहा, मैंने आपको ये कहा दैट अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहोगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उस टाइम सी एम जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट है उसको उस टाइम इसको सी पी कहते हैं। तो सी पी किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। लेकिन सिंस वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो हम उस टाइम इसको क्यू पी भी लिखते हैं ऐसे, देखिए। और यहां पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या लिखोगे, सी पी के बजाय लिखोगे सी वी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो किसके बराबर होगा, होगा बराबर क्यू वी डिवाइडेड बाय एन इनटू डेल्टा टी, दैट्स इट। अब देखो यहां से दो इक्वेशंस आ गई, कौन कौन सी इक्वेशन आ गई चेक कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशंस का बहुत यूज है इसलिए आप ध्यान दो। देखो अब यहां पे देखो सी पी मैं फिर से लिखूंगा, तो किसके बराबर है सी पी, सी पी है बराबर क्यू P divided by N into delta T. What is CP? It is the molar specific heat. समझना इसको. It is a molar specific heat at constant pressure. जरा मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे that QP अगर मुझे निकालना होगा वो किसके बराबर होगा CP, या ऐसे मैं लिखूँगा N times CP delta T. ये देख लीजिए. और CV किसके बराबर होगा, वहां पे क्यों भी आएगा, बाकी तो n इंटू डेल्टा टी वही है तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी क्यू वी इज इक्वल टू n टाइम्स सी वी इंटू डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज सी वी एंड सी पी, मैं ये चीज क्लियर कराना चाहता हूँ, व्हाट इज सी पी, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इस बात को मेहरबानी करके याद रखो। एंड वट इज सी वी, वट इज सी वी प्यारे बच्चों, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब मोलर का क्या मतलब था, मोलर का यही मतलब है दैट यू आर डिस्कसिंग इट फॉर डेटा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, दैट इज इन वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह, एंड प्लीज रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूलाज, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फी अमान अल्लाह प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।